प्रियंका चार चौधरी और शालीन अब भनौट की दोस्ती दोबारा से रंग ला रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सबने बिग बॉस के घर में प्रियंका चार चौधरी और शालीन भनौट दोनों को अपोजिट देखा होगा, एंटी देखा होगा, या फिर बीच में इनकी जो दोस्ती भी हुई थी उसमें भी इनकी लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दोनों ने एक दूसरे से बात करना करना मुनासिब समझा और दोनों भी एक दूसरे को भाव नहीं दे रहे थे, आप सीधे सीधे कह सकते हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यार ये दोनों बाहर आकर रीयूनियन ना करें। दोनों बाहर आए और दोनों का जो रीयूनियन है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शालीन और प्रियंका शायद तब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर यूं कह लो कि इन दोनों का बॉन्ड जो है वो कुछ कहना चाह रहा है, दोस्ती या दोस्ती से कुछ और, या फिर कुछ दूसरा रीज़न है, या फिर कोई प्रोजेक्ट इनका आ रहा है जिसके ऊपर जो है इतनी सारे इनके फुटेजेस, इतने सारे इनके वीडियोस हमको देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्या वजह है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फिफाफूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शालीन, जिनको पूरे के पूरे बिग बॉस के जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया होगा, या फिर लोगों ने शालीन को ये तक नाम दिया था कि यार ये तो ओवर एक्टिंग है, ये क्या ही कर लेगा, और बहुत बहुत सारे लोगों ने उनके बात करने के तरीके पर या फिर उनके रिएक्ट करने के तरीके तक को ओवर एक्टिंग बोला था। और वहीं अगर बात करें प्रियंका चार चौधरी की, तो पूरे के पूरे बिग बॉस के जर्नी में उनको एक टाइटल दिया गया शेरनी का, जो नाम उनके साथ बिग बॉस के एंड तक चला। और जब बिग बॉस के फिनाले वाले दिन वो जब स्टेज पर पहुंची, जब शो से बाहर हुई, तब भी उनका यही कहना था कि सर जब शो में आई थी तो ऐसा लग रहा था, सलमान खान को बोल रही है बात वो, कि सर जब शो में आई तो ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ते भी नहीं टिकूंगी, और जब यहाँ तक टिक गई तो लगता है कि बस अब उतने दिन रुक गई ना, मैं ग्रेटफुल हूँ, खुश हूँ। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो शालीन और प्रियंका की शो में बिल्कुल नहीं बनती थी, बनना शुरू हुई थी लेकिन झगड़ा भी हो गया था। लेकिन अब घर के बाहर इनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा वेल बाउंड लग रही है। एक वीडियो है इन दोनों का वायरल हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो। कंपन डांस करके कोई नाम दिया जा रहा है इसमें, आप देख सकते हो विकास पनक तला दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका चार चौधरी हैं, शालीन भनौट है। और इस पर अगर जनता की राय देखी जाए, लोग क्या बोल रहे हैं, तो कोई लिख रहा है कि भाई क्या बात है, एब्सोल्यूट परफेक्शन किंग शालीन इज ऑलवेज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। कोई लिख रहा है इनकम्पेरेबली अमेजिंग मल्टी टैलेंटेड किंग शालीन शाइन्स ब्राइटर ऑलवेज एब्सोल्यूट परफेक्शन ऑलवेज हॉटेस्ट एंड द बेस्टेस्ट शालीन। कोई लग रहा है शालीन इज रियली अ जेंटलमैन एंड अ वेरी हम्बल गाय। फिर कोई लग रहा है कि भाई ओ माय गॉड इतने दिनों बाद प्रियंका दिखाई दी, क्या बात है। फिर कोई लग रहा है कि सो हैंडसम एंड चार्मिंग शालीन जस्ट बी द वे यू आर। तो इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये दोनों साथ में टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर किसी पार्टी में मिले, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ, यानी कि फिफाफूज के साथ। धन्यवाद।